कांग्रेस अध्यक्ष और देश के महान नेता श्री राहुल गांधी जी, AICC जनरल सेक्रेटरी आशा कुमारी जी, PCC प्रेसिडेंट श्री सुनील जाखड़ जी, श्री मोतीलाल वोरा जी, श्री जफर आगा, श्रीमती मृणाल पांडे, श्री सुमन दुबे, पंजाब के मंत्री गण साहिबान, MLA साहिबान, भैनों ते भराओ, हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग दे विच पंजाब का एक बहुत वड्डा हिस्सा रहा है। और सच तो यह है कि आज़ादी की जंग शुरू भी हुई वो 1919 दे उस हादसे जलियांवाला बाग से शुरू हुई, जिस मौके पर सैकड़े पंजाब के नौजवान शहीद हुए। तो इस मौके पर महात्मा गांधी पंजाब में आए, पंजाब का दौरा किया और कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तैयार की, जिसका असर यह होया कि हिंदुस्तान के कोने कोने विच जो कुछ पंजाब विच होया सी उसकी खबर पहुँच गई। इतों तक कि श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने जब हादसे की गल सुनी तो अपना नाइटहुड का तखल्लुस भी ब्रिटिश सरकार में वापस कर दिया। सच और सच्चाई की लड़ाई देश ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में की और महात्मा जी हमेशा ही इस बात पर जोर देते सी कि सच और सच्चाई का ही अंतम जीत होएगी। भैनों ते भरावो, आज देश एक महान युद्ध विच फसया हुआ है। आज़ादी मिल गई, आज़ादी को मजबूत करने दे विच कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ रहा है, लेकिन पिछले 4.5 साल तो इस सरकार ने जो कुछ भारत के इतिहास से उल्टा असर पाने वाली गलों पर जोर दिता है, उस दे नाल एक बार फिर देश की फ्रीडम नू खतरा पैदा हो सकता है। जवाहरलाल जी ने एक बार कहा सी, फ्रीडम इज इन पैरल डिफेंडेड विद ऑल इट्स माइट। तो मैं भारतवर्ष के सब लोगों नू ये अपील करांगा कि वो समझन कि वो सारे मुल्क नू ये सरकार किस गलत तरीके से ले जा रही है और इसका सख्त मुकाबला करने की जरूरत है। इसके लिए ऐसे पत्रकारों की लोड़ है जो सच और सच्चाई के नाम से कोई दुकानदारी नहीं करना चाहते, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज साढ़े देश के संविधान के विच हैं उन्होंने अपना का प्रचार करना है, ताकि देश एक बार फिर फले फूले। तो नवजीवन इस सिलसिले के विच एक बहुत वड़ी शक्ति बन सकती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि नवजीवन बड़े फले फूले और हिंदुस्तान के कोने कोने के विच नवजीवन दी कदर होए और नवजीवन एक बार फिर महात्मा गांधी जी दी बनाए गए रस्ते से चलते हुए देश के विच सही तौर पर पत्रकार जो होना चाहिए है उससे एक बार फिर जोर दे। मैनू इस काल से भी बड़ी प्रसन्नता है कि पंजाब की धरती से
नवजीवन की एक बार फिर पुनर्जीवन हो रहा है। पंजाब की धरती मैं जिया के पहले ही कह चुका था, हिंदुस्तान की आज़ादी दे विच साड़ा बड़ा वड्डा हिस्सा रहा है। नाल ही मैं गुरजीत लाल वोरा जी नूं ये अपील करांगा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि नवजीवन का एक पंजाबी एडिशन भी पंजाब में छपना चाहिए है। इन्होंने इन शब्दों के नाल मैं मोतीलाल वोरा जी नूं, जफर आका जी नूं, मृणाल पांडे जी नूं बधाई दिंदा हाँ कि उन्होंने कितनी मुश्किलात के बावजूद एक बेड़ा उठाया है वो कि सही तौर पर जो पत्रकार होने चाहिए हैं वो ही साढ़े सामने अगर आने चाहिए हैं। मैं मृणाल पांडे जी, जफर आका साहब और उन्होंने साथियों को एक बार फिर मुबारकबाद दे रहा हाँ कि उन्होंने जो नवजीवन में एक बार फिर खड़ा करने की शक्ति बख्शी है उस अगे वधाउन। सारे देश के विच महात्मा गांधी जी के बिताए हुए रस्ते से चल के देश की एकता अखंडता और बाकी सब मामलों के विच सच और सच्चाई से जोर देंदे हुए देश अगे वधे फले फूले और इस विच कांग्रेस पार्टी का एक महान योगदान है। एंड सारी ये सब की प्रार्थना है कि ईश्वर राहुल गांधी जी नूं इतनी शक्ति बदन शक्ति दे कि वो इस काम नूं बड़े सिरे अगे असर अंजाम दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।